कल यानी 21 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की ओर से सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी 418/2014 को चुनौती देने वाले क्रिमिनल रीट की सुनवाई मंगलवार को होगी। इस मामले में कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अब दिवाली पर्व अवकाश खत्म होने के बाद कल सीएम सोरेन की रीट याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें, इस याचिका में प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। उस दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बता दें कि आदित्यपुर थाना में हेमंत सोरेन के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 506 और 125 आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में सुनवाई पश्चिमी सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है। सीएम सोरेन ने अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने व उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। अब कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि इस केस में आगे क्या होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।